छोटे से गांव की लड़की अपनी कामयाबी से क्या बदलाव ला सकती है, ये हम एमसी मैरीकॉम के रूप में देख चुके हैं, लेकिन असम की एक नई बॉक्सर इन दिनों इस खेल की पोस्टल गर्ल बन गई है। पूरे गुवाहाटी में छाए ये पोस्टर्स मैरीकॉम के साथ भारतीय बॉक्सिंग के उभरते भविष्य का इशारा करते हैं। इन तस्वीरों में स्टार की तरह चमक रही अंकुशिता बोरो के लिए भी ये सब एक सपना जैसा ही है। इसी साल तुर्की और बुल्गारिया से रजत पदक जीतकर लौटी अंकुशिता का हौसला बड़ा है और उनके सपने बड़े होने लगे हैं। मतलब भैया जो वॉलीबॉल खेलता था, मतलब पहले खेलता था, उसने मुझे बोला कि ऐसे बॉक्सिंग के लिए सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रायल दे दिया मैंने। उसके बाद ट्रायल मिल गया, उसके हॉस्टल में से प्रैक्टिस ये किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गेम ये सब उस खेला। उसके बाद 2012 में जो ओलंपिक लंदन ओलंपिक हुआ था, उसके बाद ही मैंने सिबर थप्पा, उसके बाद मेरी कॉम दी, उन लोग का नाम सुनते मतलब और ज्यादा वो किया। अंकुशिता असम के सोनितपुर जिले के एक बेहद छोटे से गांव मेघाय झरोनी से आती हैं। उनके घर में खेलों की कोई खास परंपरा नहीं रही है, इसलिए घर से बाहर निकलते हुए उन्हें भी मुश्किलें तो आईं, लेकिन उनके यहां बाहर जाने से इस गांव की लड़कियों को नई रोशनी मिल गई है। वो भी डर गया था पहले, मैं भी उस टाइम बोला था डरना मत बेटा, मैं कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तीन बेटी है तो एक को अच्छा बनना चाहिए। जो मेरा बेटी ने आज वर्ल्ड कप गेम खेला है, मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे लड़की लोग यहाँ बंधन में रहते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि आप लोग ये बाहर निकलना नहीं चाहिए, ज्यादा इस तरफ नहीं करना चाहिए, और लड़की लोग जो है बाहर निकल गया तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं कि मतलब वो होगा ये होगा, बहुत सारा आजकल जो एफबी में वगैरह हो रहा है, बहुत दुनिया में बहुत सारा कहानी वगैरह जो हो रहा है, इसका वजह से घर का लोग या गाँव का समाज का हर मतलब लोग सोचते हैं कि लड़की को इतना दूर भेज दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम लोग जो सोचते हैं वो टोटली डिफरेंस है, कि हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर का दुनिया को देखो, और हम लोग जो सोचते हैं घर में रहकर जो सोचते हैं वो नहीं है। ये ट्रॉफीज बताती हैं कि बहुत कम समय में अंकुशिता तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है, लेकिन जिस गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल हो वहां उनके लिए उनकी अब तक की कामयाबी का सफर यकीनन आसान नहीं रहा है। नहीं, उसका पहले मैंने यहाँ से वो रोहतक में गया था, तब मतलब फ्लाइट में ऐसे उठा था, तभी थोड़ा फर्स्ट टाइम जब उठा था तभी डर लगा। पहली लड़की है वो जैसे बाहर गया है, हमारे इधर से तो कोई, जैसे आपने पूछा था ना फ्लाइट में भी कोई नहीं चढ़ा है, वो लड़की जैसे पहला है हमारे इधर से जो गया है, और गेम में भी पहली लड़की है वो हमारे इधर से। अभी छोटी को भी हम लोग देना चाहते थे, लेकिन हमारा हाउस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से उसको हम लोग बाहर दे नहीं पाए हैं। हाँ, मैं भी दीदी की तरह बनना चाहती हूँ, बॉक्सिंग में भी खेलना चाहती हो। कोच और जानकार कहते हैं कि अंकुशिता का कद और उनका फुटवर्क उनकी ताकत है। वो कहते हैं कि इनमें मेरी कॉम जैसी मेहनत करने की क्षमता भी है, कि इसका जो बेस है, जिस तरह इसने बताया अभी कि ये साई हॉस्टल गोलाघाट में थी, वहां से इसका बेस बन गया है। इस बेस में खाली कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, और जिस तरह से ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करती जाएगी, इसके साथ साथ इसके पंच में पावर बढ़ती जाएगी, पक्का है ये आगे जाके हिंदुस्तान इंडियन टीम सीनियर टीम में आएगी लड़की। अंकुशिता अपने गांव और अपने राज्य में एक रोल मॉडल बनती जा रही है, उनकी हर कामयाबी से उनका कद और बढ़ जाएगा। गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर दूर एक मामूली से गांव से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर करना अपने आप में बड़ी कामयाबी है। अंकुशिता ने इस गांव में खेल की लौ जला दी है। कोच और जानकार कहते हैं कि वो बेहद प्रतिभाशाली हैं। अगर वो सीनियर स्तर पर मैरीकॉम की तरह और भी बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो पोस्टर से आगे जाकर भारतीय खेल प्रेमियों के दिलों में अलग जगह बना सकती है। असम के मेघाजरोनी गाँव से कैमरामैन संजय चक्रवर्ती के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।